अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 6.2 कंप्लीट किया। 6.2 के अंदर दो टॉपिक थे, परमुटेशन का था, एक काउंटर म्यूनिसिपल का था। हमने काउंटर म्यूनिसिपल को समझा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, फिर हमने परमुटेशन को समझा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो 6.2 डिटेल में मैंने आप लोगों को पूरी समझा दी है। अब बारी है 6.3 की। 6.3 का एक ही टॉपिक है, वो है कॉम्बिनेशन। एक तो कॉम्बिनेशन आप रियल लाइफ में वर्ड इंग्लिश का बोलते हो कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन की सेंस में भी यूज हो जाता है, वैसे भी यूज हो जाता है। लेकिन एक कॉम्बिनेशन यहां पे जो आप पढ़ोगे, इसका कॉन्सेप्ट काफी पक्का कॉन्सेप्ट है, तो जरा कंफ्यूज नहीं करना। वैसे अगर आप कहीं कॉम्बिनेशन बोलते हो ना इंग्लिश में, तो उसका मतलब डिफरेंट हो सकता है। मैथ का जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आप लोग सही समझोगे इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में डिटेल में हमने सीखना है कॉम्बिनेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन के रूल्स क्या है, अच्छा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फर्क है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका आंसर कोई एक मिनट के अंदर मैं नहीं दे सकता। इसका आंसर आपको वीडियो में मिलेगा, मैं काफी एग्जांपल इस वीडियो के अंदर दी हैं। ये वही जैसे मैं आप लोगों को पता है, हम पुराने मैं एडिट करके लगाता हूं, तो पुरानी दफा मैंने डिटेल में लास्ट टाइम जब मैंने बुक अपलोड, ये चैप्टर नंबर 7 था पुरानी बुक में, तो मैंने इतनी मेहनत करके अपलोड किया था इसके अंदर डिटेल में एग्जांपल्स एक एक दे के आपको बताया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है। सवाल आएगा तो किस तरह पहचानोगे परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होती है, रूल्स क्या है, फॉर्मूले, एक एक चीज डिटेल में मैंने पूरी सिखाई हुई थी। तो वो इंशाल्लाह मैं अब इसके बाद एडिट करके लगा दूंगा। इस लेक्चर में बस आप कॉम्बिनेशन को डिटेल से समझ लेना। एक्सरसाइज आप लोगों की बहुत इजी है, इसमें बेटू पुराने बुक में काफी टफ क्वेश्चन हुआ करते थे। तो एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आप लोग इस लेक्चर में डिटेल में कॉम्बिनेशन के बारे में समझ लो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करना है, लेकिन मैं कुछ एक दो बातें बता दूं और फिर एक नया थोड़ा टॉपिक बताना है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं बाकी चीजें। यार देखो, सबसे पहली चीज जो हमने 7.2 भी की है परमुटेशन वाली, उसमें सवाल तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों के जहन में आ सकता है कि एक्सरसाइज परमुटेशन की थी, लेकिन हमने परमुटेशन यूज ही नहीं की, हम तो यूज ही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कर रहे थे इतना। तो ये जहन में रखना, परमुटेशन हमने दो फॉर्मूले ज्यादातर यूज किए। पहला वाला बेसिक फॉर्मूला यूज ही नहीं किया हमने परमुटेशन का। कौन से दो फॉर्मूले? एक अलाइक वाला था, कि जब सेम चीजें अलाइक होती हैं आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो। दूसरा टेबल के अराउंड में हमने परमुटेशन यूज की थी, और बाकी जगह परमुटेशन का मेन फॉर्मूला हमने यूज ही नहीं किया था। देखो कॉन्सेप्ट ये कि परमुटेशन है ही पूरा प्रोडक्ट प्रिंसिपल, हर चीज परमुटेशन का फॉर्मूला प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आया हुआ है। तो दैट्स वाई जहां पे जरूरी होती है ना परमुटेशन, और वो ऐसा केस नहीं है, आप परमुटेशन के सारे सवाल प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो। इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन के सारे सवाल भी प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, बस प्रोडक्ट प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी? जितनी चीजें आपने सेलेक्ट किया उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे आता है, कि जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन भी आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो, बस मॉडिफिकेशन क्या करनी है, जितनी चीजें आपने सेलेक्ट की हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये काम करने से बेहतर है कि हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें मजा नहीं आता, खूबसूरत नहीं बनेगा, और इतना हमें मजा नहीं आएगा जितना हमें कॉम्बिनेशन यूज करते हुए आएगा। प्रोडक्ट प्रिंसिपल परमुटेशन में बड़ा काम का था, आराम से आप कर सकते थे, और हर सवाल आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल में जो परमुटेशन का सवाल था, वो हर सवाल उसके फॉर्मूले से नहीं हो सकते। अगर रिस्ट्रिक्शंस आ गई आपको प्रोडक्ट प्रिंसिपल में जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई 7.2 में मैंने हर सिचुएशन में प्रोडक्ट प्रिंसिपल को ही प्रेफर किया है। ऑल दो ऐसी कितनी सिचुएशन है जहां पे आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं जरा बता देता हूँ आप लोगों को, एक दो सवाल तो मेरे जहन में है, लेकिन मैं और ही बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। यार फॉर एग्जाम्पल डिजिट्स की बात की जाए अगर, तो डिजिट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल दूंगा यार चार डिजिट है 2, 4, 5, 6, आपने इनसे 3 डिजिट के वर्ड्स बनाने हैं, 3 डिजिट के वर्ड्स बनाने, 4 डिजिट के बने, तो आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कैसे करते थे? आप लिखते थे कोई भी 4 आ सकते हैं, कोई भी 3 आ सकते हैं, कोई भी 2 आ सकते हैं। अभी मैं परमुटेशन की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली रिपीटेशन अलाउड का तो कोई सीन ही नहीं है, नॉर्मल परमुटेशन में कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर इसका क्या आ जाएगा? 24। ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल का काम है, सेम आप इसको परमुटेशन से भी कर सकते हो। 4 में से 3 की अरेंजमेंट आपको बताया क्या हो जाएगा? 4p3। n ऑब्जेक्ट है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट है, कितने आपको करने हैं? 3 करने हैं सिलेक्ट, तो r3 हो जाएगा। तो 4p3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 1, मतलब 24 के बराबर है। तो कहने का मतलब है यही सवाल आप परमुटेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे इजी लग रहा है, सामने समझने में आसानी है, 7.1 आप कर आए थे तो मैंने आसानी से करवा देता। इसी तरह जितने फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट है और 4 डिजिट का ही नंबर आपको बनाना है,
तो परम्यूटेशन में क्या होगा, चार डिजिट है और चार का ही बनाना है, 4P4, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, जिसको मैंने आप लोग को प्रोडक्ट प्रिंसिपल में क्या बताया था, n फैक्टोरियल। क्या अगर चार डिजिट है, चार डिजिट का ही आपको बनाना है, तो ये पूरा 4 फैक्टोरियल बन गया फॉर्मूला। पहले भी 4 फैक्टोरियल बनना था, लेकिन उसमें भी 24 आना था, इसमें भी 24 आ रहा था, क्योंकि 4P4 आप करो या 4P3 करो, आंसर दोनों के 24 ही आएंगे। इसी तरह अगर आप 5P5 करो, आंसर 5 फैक्टोरियल है। आप 5P4 करो, अब आंसर क्या होगा, वही 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब अगेन जो आंसर है वो आपका 5 फैक्टोरियल आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सवालों को आप परम्यूटेशन से कर सकते हो, लेकिन हर सवाल परम्यूटेशन के फॉर्मूले से नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शन जब इन्वॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर आना है, इवन नंबर आपको बनाने हैं, परम्यूटेशन के फॉर्मूले को दूर दूर तक नहीं पता कि इवन नंबर के लिए क्या करना है आपने, फिर दोबारा प्रोडक्ट प्रिंसिपल में जाओगे। तो ये रीजन है जिसके तहत मैंने प्रोडक्ट प्रिंसिपल को ही प्रेफर किया है। 7.3 ऑनवर्ड मैं नहीं प्रेफर करूंगा 7.3 में, क्योंकि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला काफी इजी होता है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, लंबा होगा, इससे बेहतर हम कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे। जब भी कोई चीज आप पढ़ते हो तो रीजन होती है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मतलब परम्यूटेशन से मामला अगर हमारा चल रहा था तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, सही है, हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉम्बिनेशन पढ़ने की, वजह क्या है। तो देखो वजह कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल आप कुछ चीजों की अरेंजमेंट निकाल रहे हो लेकिन उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जबकि आपको पता है परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। आप 1 2 3 लिखो, 3 1 2 लिखो, 3 2 1 लिखो, ये सब अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये चीज मैटर नहीं करती। आप 3 1 2 लिखो, 2 1 3 लिखो, कुछ भी लिख दो, आपको इसे क्या कर, आप तो कोई मैटर नहीं करता ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल सेट के अंदर आपने देखा होगा, सेट के अंदर जब आप सबसेट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 2 3 4, आपको मैं बोलूं कि 2 एलिमेंट के सबसेट बनाओ इसमें से, तो आप क्या बनाओगे, आप लिखोगे 1 2 या आप लिखोगे 1 3 या लिखोगे 1 4 या 2 3 या लिखोगे 2 4 या आप लिखोगे 3 4, मेरे समय यही बनेंगे 2 के, शायद और भी बनता हो, खैर तो 6 आपके सामने 2 एलिमेंट्स के सबसेट बन गए। क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, नहीं ऑर्डर मैटर करता। सेट में आप 1 2 लिखो या सेट में आप 2 1 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप सेट में 1 3 लिखो या आप सेट में 3 1 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप 1 2 लिखोगे और एक और सेट लिखोगे 2 1, इसका मतलब ये दोनों एक ही सेट है। अगर आप इसको 2 कंसिडर करोगे तो आप गलत पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रियली ऑर्डर मैटर नहीं करना। अच्छा, मैंने बताया था परम्यूटेशन भी एक सिलेक्शन है। परम्यूटेशन में आप क्या करते थे, चीजों को सिलेक्ट करते थे, अनलेस अगर आपको सारी चीजों को अरेंज ना करना। फॉर एग्जांपल चार चीजें, चार को अरेंज करना है तो फिर आप डायरेक्ट अरेंज कर दो, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कुछ। लेकिन अगर चार चीजें उसमें से आपने 3 सिलेक्ट करनी है तो परम्यूटेशन में भी आप सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन करने के बाद आप अरेंज कर रहे होते हो, जबकि कॉम्बिनेशन में ये चीज नहीं होती। कॉम्बिनेशन में बस आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, कॉम्बिनेशन में अरेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने यहां पे देख लिया, आप इसमें सिलेक्ट कर रहे हो भाई 1 2 को सिलेक्ट कर लो, अच्छा भाई 3 4 को सिलेक्ट कर लो कि है 3 4, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। 3 4 लिखो या 4 3 लिखो, ये मैटर नहीं कर रहा, सिलेक्शन आपने क्या किए ये मैटर कर रहा होता है। ये जो वर्ड कॉम्बिनेशन है ना, खुद आपको बता रहे, कॉम्बिनेशन मतलब चीजों की कुछ चीजों को आपने कंबाइन किया है, अब किस ऑर्डर में कंबाइन किया है ये मैटर नहीं करता। तो मैं कभी जनरलाइज वर्ड पढ़ो, जनरलाइज कॉम्बिनेशन तो आप डिफरेंट अरेंजमेंट को भी आप कॉम्बिनेशन बोल देते ना, कि ये वाली अरेंजमेंट भी कॉम्बिनेशन है, ये वाली भी कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश का वर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इसमें कॉम्बिनेशन जब आप बोलोगे ना, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मैथ के अंदर इसका ही मतलब है। वैसे आप इसका कहीं मतलब ले लेते हो, लेकिन वैसे अभी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हम वैसे भी नॉर्मल जैसे बोलते कॉम्बिनेशन क्या है, किसी चीज की कॉम्बिनेशन, हालांकि होती है अरेंजमेंट है लेकिन हम कॉम्बिनेशन का भी बोल देते हैं उसको, तो मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा। मैं भी स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ मैथ के अंदर, डिस्क्रीट मैथ के अंदर जब आप कॉम्बिनेशन का डिस्कस करते हो तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, जस्ट क्या मैटर करती है, सिलेक्शन मैटर कर रही होती है। तो दैट्स व्हाई आप कॉम्बिनेशन के मेजोरिटी सवालों में देखोगे कि सिलेक्शन का वर्ड होगा, परम्यूटेशन में इतना सिलेक्शन का वर्ड आपको नजर नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन में लाजमी आपको सिलेक्शन का नजर आ रहा होता है। तो एक तो ये मैंने मेन डिफरेंस आपको बता दिया कि क्यों जरूरत पड़ी आपको कॉम्बिनेशन की। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ, माशाल्लाह क्रिकेट हमारा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं नेशनल गेम ही है ना, हॉकी तो बेचारा कोई डिस्कस ही नहीं करता उसको, तो खैर क्रिकेट के मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने एक सवाल किया था एक्सरसाइज 7.1 में, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या था कि आपके पास एक 11 खिलाड़ियों की टीम है, उसमें से आपने क्या करना है, आपने एक कैप्टन सेलेक्ट करना है, एक वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, एक विकेट कीपर करना है। तो एक कैप्टन की प्लेस, वाइस कैप्टन की प्लेस और विकेट कीपर की प्लेस। तो अब मैंने कहा था यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप पहले बाबर सिलेक्ट करो, फिर आप
शादाब सेलेक्ट करो या फिर आप रिजवान सेलेक्ट करो, ये एक अलग सिलेक्शन है। मतलब आपने किया तो सिलेक्ट इसको, लेकिन अब आप इसको अरेंज भी करोगे और हर अरेंजमेंट अलग होगी। जैसे यहाँ पे हर अरेंजमेंट अलग तो नहीं है ना, 1-4 लिखो या 4-1 लिखो, बात एक ही होगी। यहाँ पे बात एक नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिखो या आप इसको इस तरीके से लिखो, बात अलग है दोनों। इस वाली का मतलब ये कि शादाब कैप्टन है, बाबर वाइस कैप्टन है और रिजवान विकेट कीपर है, एक अलग कंसिडर किया जाएगा, इसका अलग मतलब है पूरा। तो उसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, क्योंकि हर पोजीशन एक खास पोजीशन को शो कर रही है ना, कैप्टन विकेट कीपर और जो भी है वो। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं रिजवान बाबर शादाब, शादाब को पता नहीं विकेट कीपिंग आती है नहीं आती, खैर अब ये अलग चीज है भाई, रिजवान कैप्टन बन गया, बाबर वाइस कैप्टन बन गया, शादाब विकेट कीपर बन गया, तो ये हर चीज अलग मानी जाएगी। तो ये वो केस है जिसमें आप परमुटेशन यूज करते हो, यहाँ पे आपने सेलेक्ट भी करना है और उनको अरेंज भी करना है, हर अरेंजमेंट एक डिफरेंट चीज को शो करेगी। जबकि अगर आप पेज नंबर 238 पे आओगे ना, उसमें एक एग्जांपल नंबर 4 है, बुक में भी आपको मिल जाएगी, 7.3 में भी ऐसी एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा है कि आपके पास 14 खिलाड़ी हैं, उसमें से आपको 11 सेलेक्ट करना है। 14 को छोड़ो, 15 कर लेते हैं, नॉर्मली 15 होते हैं ना, उसमें से आप 11 खिला रहे होते हो, तो 15 खिलाड़ी है उसमें से आपको 11 सेलेक्ट करने हैं। क्या यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट मैटर करेगी, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 11 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम एक T20 की टीम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाता हूं मैं। सबसे पहले भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनको, तो हम सबसे पहले रखते हैं ना, ये भाई आ गया बाबर, फिर हमने रख लिया रिजवान को, ये तो बेस्ट हो गया। 1 ऑन पे हम भेजे थे भाई फखर को, अच्छा खेल लेता है। सेकंड ऑन पे किसको भेजते हैं, हफीज तो रिटायर हो गया, मलिक तो खिला नहीं रहे उसको। सेकंड डाउन फॉर एग्जाम्पल हम भेज देते हैं, किसको भेजें सेकंड डाउन पे हम भेजते हैं कोई तगड़ा खिलाड़ी, हाँ उसको भेज देते हैं, हारिस को, नहीं हारिस कह रहा हूं, क्या नाम था यार उसका, हैदर अली, फॉर एग्जाम्पल हैदर अली को मैं भेज दिया, ये फोर्थ पे आ गया। अच्छा पांचवे पे फॉर एग्जाम्पल हम भेज देते हैं आसिफ अली को, खेलना नहीं आता लेकिन अब क्या है, मतलब कुछ तो खेल ही लेगा, ये वर्ल्ड कप में खेल लिया और खेल रहे। अच्छा उसके बाद ये एक और बैडमिंटन हिटर कर लेते हैं हम, खुशदिल कर लेते हैं, खुशदिल अच्छा खेल लेता है, फॉर एग्जाम्पल 6 खिलाड़ी हो गए। अब हम जरा थोड़ा ऑलराउंडर पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादाब को हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा उसके बाद इमाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेचारे को पता नहीं क्यों नहीं खिलाते, 6 ये 8 हो गए। अब हमारे पास 3 हमने बॉलर सेलेक्ट करने हैं, तो भाई शाहीन तो आएगा, हसन को भी कर लेते हैं, कल चलता नहीं है लेकिन ऑलराउंडर में भी आ ही जाता है तकरीबन, और फिर हम एक हारिस राउत को कर लेते हैं। अब 15 खिलाड़ी थे, 15 खिलाड़ी में से आपने 11 की टीम बना दी है, आपने 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करनी है। अब ये आपने 15 में से 11 सेलेक्ट कर लिए, क्या इनकी अरेंजमेंट आपस में मैटर करेगी, मतलब एक सिलेक्शन आपने इस तरीके से किया, अगर मैं इनको अरेंज करूं तो क्या वाकई मतलब डिफरेंट बन रहा है, जैसे यहां पे मतलब डिफरेंट बन रहा था सेलेक्ट करने के बाद, जब मैं अरेंज कर रहा था तो मतलब डिफरेंट बन रहे थे, यहां पे क्या यहां पे अरेंजमेंट डिफरेंट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह सेलेक्ट करूं कि रिजवान बाबर, क्या ये वाकई मैटर कर रहा है, अनलेस देखो इस सवाल में मैंने पोजीशन बताई नहीं ना, कि ये पहली पोजीशन पे, दूसरी ये वन डाउन पे, ये पोजीशन नहीं आपको बताई जा रही, आपको जैसे बोला जा रहा है, ये तो मैंने अपनी टीम बनाने के चक्कर में आपको बोला है, आपको जैसे बोला जा रहा है 11 सेलेक्ट करने हैं, आपने कोई पोजीशन नहीं है कि 11 में से जो पहला होगा वो कैप्टन बनाओगे या पहला जो है वो ओपनर ही भेजोगे आप, या दूसरा सेलेक्ट करोगे वो भी ओपनर ही होगा, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं है, जस्ट आपको बोला है कि 15 में से 11 को सेलेक्ट करो। तो अब सिलेक्शन मैटर नहीं करेगी, आप पहले बाबर को सेलेक्ट कर रहे हो, फिर आप रिजवान को सेलेक्ट कर रहे हो और बाकियों को कर रहे हो, ये चीज सेम है, या पहले आप रिजवान को कर लो फिर बाबर को कर लो, ये एक ही बात है, क्योंकि असल चीज मैटर क्या करती है, 15 में से 11 आपने कौन से सेलेक्ट किए हैं, सिलेक्शन मैटर कर रही है, अरेंजमेंट उनकी मैटर नहीं करेगी, कोई पोजीशन नहीं है, बेशक बाबर को आप 11वें नंबर पे सेलेक्ट कर लो, क्या मैटर कर रहा है यहां पे, नहीं, असल चीज मैटर क्या कर रही है, 11 खिलाड़ी में बाबर है, बस खत्म होगी बात, अरेंजमेंट यहां पे मैटर नहीं कर रही, जबकि यहां पे हर पोजीशन मैटर कर रही थी, पहली पे करोगे तो वो कैप्टन होगा, दूसरी पे करोगे होगा। तो इस वाले सिचुएशन में आप देखो यहां कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, क्योंकि यहां पे जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, आपको ऑर्डर नहीं बताया जा रहा कि किस ऑर्डर में आपको करना है। तो ये वैसे बेस्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन की, जो आपको क्लियर करेगी कि यार किसी सिचुएशन में ऑर्डर अरेंजमेंट मैटर कर रही है, किसी सिचुएशन में जस्ट सेलेक्ट कर लो 11 खिलाड़ी को, आपको कोई बताया हुआ नहीं है, अनलेस आपको बोल दें कि यार पहली पोजिशन शुरू की 2 पोजिशन ओपनर को कर रही है, तीसरी जो है 1 डाउन है, चौथी, तो इसका फिर अलग हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा अगर आप ऑर्डर शफल करोगे, बाबर को तीसरे में लाओगे तो इसका मतलब अलग है कि बाबर 1 डाउन खेल रहा है ऐसा, लेकिन इतना मुश्किल कर नहीं रहे हो, जस्ट आपको बोल रहे हैं आप सेलेक्ट करो, तो यहां पे ऑर्डर आपका मैटर नहीं कर रहा होगा, आप किसी भी ऑर्डर में उनको सेलेक्ट कर लो। बस असल चीज क्या है, 11 जो खिलाड़ी है ना वो एक सिलेक्शन होगी, उसमें से अगर एक खिलाड़ी को निकाल दो, फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं मुझे खुशदिल नहीं चाहिए,
मुझे चाहिए इफ्तिखार भाई चाहिए, अब ये एक अलग कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपने अब जो 11 खिलाड़ी चूज किया वो डिफरेंट है पहले वाले से, पहले 11 खिलाड़ी ये नहीं थे, ये नहीं था पहले यहां पे, इसको निकाल के आपने दूसरा डाला है, अब ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करेगा। तो यहां पे कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन मैटर करती है कि आपने सेलेक्ट किन किन को किया, ऑर्डर कुछ भी हो भाई हमें क्या इससे लेना देना, सेलेक्ट जो किया वो मैटर कर रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने पिन की एग्जाम्पल एक देखी थी, जो आपने एक पिन देखा था कि अगर आपके पास टोटल 10 डिजिट होते हैं मैथ के अंदर, आपको मैं बोलूं कि 4 डिजिट का पिन बनाओ, तो आपने बोला था सर कोई भी 10 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 9 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 8 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 7 आ सकते हैं। अगेन देखो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं परमोटेशन, तो मैं रिपीटेशन नहीं कंसिडर कर रहा, परमोटेशन में कोई रिपीटेशन नहीं है। तो परमोटेशन इसकी कितनी बनेगी, परमोटेशन का फॉर्मूला इस तरह भी आप निकाल सकते हो 10p4, जहां आप इस तरह लिखो एक ही बात है, कोई ना कोई इसका आंसर आ रहा होगा। अब ये जो आंसर आ रहे होंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहे होंगे, उसमें कुछ ये भी वेज होंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 4093 ये पिन बिल्कुल होगा ना इसके अंदर, कोई रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर, तो एक परमोटेशन है, एक अरेंजमेंट है, 4 डिजिट का पिन बना दिया आपने, तो जितने नंबर ऑफ वेज आएंगे उसमें एक ये भी इंक्लूड होगा। और सिर्फ ये इंक्लूड नहीं होगा, इस टाइप के 23 और भी होंगे, मतलब इसको आप अरेंज कर सकते हो ना, आप इसको 4093 आप इसको 4039 कर सकते हो, आप इसको 4903 कर सकते हो, फिर आप इसको 4930 कर सकते हो, फिर आप 4390 कर सकते हो, मतलब ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग डिजिट 4 है, फिर स्टार्टिंग डिजिट 3 करो आप, करते करते सिर्फ इन चार को आप 24 तरीके से अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही, पिन सेम ही है, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं, कभी फोर्सफुली आपको बोल दिया जाए कि कॉम्बिनेशन का सवाल बना, तो फोर्सफुली कैसे बताएंगे, बोलेंगे भाई यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आप 4039 लिखो, आप 4903 लिखो, आप 4930 लिखो, मैटर नहीं कर रहा। अब यहां पे नेचुरल अगर आप बात करो तो मैटर करता है, ये सब अलग अलग पेन है, लेकिन फोर्सफुली अगर आपको बता दें कि यार मैटर नहीं कर रहा, तो अब वो सवाल भी कॉम्बिनेशन का बन गया, जब उन्होंने फोर्सफुली आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब ये जो 24 बनेंगी ये 24 परमोटेशन नहीं होंगी, ये एक ही परमोटेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो 24 परमोटेशन जो है जिसमें अलग किस्म की अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं कर रही, कॉम्बिनेशन एक ही है। क्यों? क्योंकि 24 के अंदर जो चार चीजें सेलेक्ट हुई हैं वो 4093 है। सिलेक्शन असल मैटर करती है कि कौन कौन से डिजिट आपने इन 24 में सेलेक्ट किए हैं, इन 24 में आपने चार डिजिट सेलेक्ट किए हैं, तो कॉम्बिनेशन एक ही मानी जाएगी। अरेंजमेंट ज्यादा है तो परमोटेशन 24 आप कह रहे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही मानी जाएगी। तो ये मैंने बता दिया फोर्सफुली आपको बोल दें, मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं ताकि मेन कॉन्सेप्ट आपके सब क्लियर हो जाए, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा। इसी तरीके अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं, अब ये नेचुरल परमोटेशन का सवाल है, नेचुरली अगर आप बात करो ऑर्डर मैटर कर रहा है नेचुरली, फोर्सफुली आपको कर दिया। अच्छा कुछ और नेचुरल सवाल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर रेस हो रही है 10 घोड़े, मैं वीडियो क्लिप भी देख रहा था एक घोड़ों की, पाकिस्तान का घोड़ा कुछ जीत गया था, एंड पे था, एंड से पहले पे आ गया था, तो वही एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि 10 घोड़े और जीतने की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं, पहली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो अब अगेन ये परमोटेशन का केस है कि तीन पोजीशन है, पहली रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, अब कोई भी 10 घोड़े पहली पोजीशन पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोड़ा नंबर 1 आ गया पहली पोजीशन पे, तो घोड़ा नंबर 1 का मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको H1 कह देते हैं, H1 का मतलब ये नहीं कि हॉर्स जो पहले नंबर पे आया, ये मैंने नाम दिया हुआ हॉर्स को, हॉर्स का नाम है H1, ठीक है। दूसरे नंबर पे फॉर एग्जाम्पल H3 आ गया, H3 का मतलब एक घोड़ा है जिसका मैंने नाम H3 दिया हुआ, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तो पहली प्लेस पे कोई भी 10 आ सकते हैं, जो इस प्लेस पे आया अब कोई भी 9 आ सकते हैं, अब कोई भी 8 आ सकते हैं, और ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसमें रिपीटेशन तो हो भी नहीं सकती, परमोटेशन का प्योर सवाल है। तो 10, 9, 8 ये चॉइस हो सकती है घोड़ों के जीतने की, फॉर एग्जाम्पल H1, H3 और H10, ये पहली पोजीशन पे आ गया, ये दूसरी पोजीशन पे आ गया, ये तीसरी पोजीशन पे आ गया। अब यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, अगर मैं इसको H3, H1 और H10 लिख दूं, अब ये डिफरेंट बात है, इसका मतलब क्या है कि पहली पोजीशन पे H3 है, दूसरी पे H1 है, तीसरी पे H10 है, अगर मैं और मजीद ऑर्डर चेंज कर दूं मतलब अलग हो जाएगा। तो अब ये वो सवाल है जो नेचुरली परमोटेशन का सवाल है, ये कॉन्सेप्ट है आपको, ये जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट, इसको जहन में रखोगे तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, अनलेस आपको रिस्ट्रिक्ट ना कर दिया जाए, वरना हर सवाल नेचुरली आपको बता रहा होगा कि वो किसके अंदर लाइक कर रहा है, किसके अंदर फॉल कर रहा है। तो दिखने में आपको लग रहा है जहां पोजीशन इन्वॉल्व हो जाती है ना, जैसे ये पोजीशन थी, ये पोजीशन थी, यहां पे परमोटेशन बन जाता है, और जहां पे जस्ट सिलेक्शन इन्वॉल्व है कि 11 को सेलेक्ट कर लो किसी भी ऑर्डर में कर लो, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 में आना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर बैठा हुआ है, अगर वो 11 खिलाड़ियों में आ गया, बस उसके थोड़ा ना मैटर करता कि यार मैं किस ऑर्डर पे आ रहा हूं, तो बात की बात है, असल चीज है सेलेक्ट कौन सा करना है,
अगर उस सिलेक्शन में तुम आ गए हो दैट्स इट। अब किस ऑर्डर में आपको सिलेक्ट किया, आखिरी नंबर पे किया, पहले पे किया, वो मैटर नहीं करता। तो ये हॉर्स वाली एग्जांपल है, इसको भी आप। अच्छा एक और मजीद मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो एग्जांपल होती है लॉटरी की। लॉटरी जो वर्ड आपने बचपन से सुना हुआ है कि यार लॉटरी निकल गई, लॉटरी निकल गई, इसका जरा मतलब क्या है, ये होता क्या है? पाकिस्तान में तो बैन है ये, मुझे नहीं पता कि छुपके कसीनो में चल रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिशियली तौर पे बैन है ये, क्योंकि गैम्बलिंग जुए के अंदर आता है, और आई गेस सूरह मायदा के अंदर जुआ और शराब इन दोनों को बोला गया कि हराम है, सूरह मायदा के अंदर है शायद। तो हमारे मुल्क में तो बैन है, लेकिन बाहर के मुल्क में काफी लॉटरी के गेम खेले जाते हैं। इस लॉटरी के गेम में कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होती है। कैसे इन्वॉल्व होती है, इसके पहले आपको गेम को समझना है। लॉटरी के गेम बेसिकली होते हैं कि आपने बस नंबर चूज करना होता है, अगर वो नंबर जो आपके पास है और जो विनिंग नंबर है वो मैच करके आपकी लॉटरी निकल गई, ये बेसिकली मकसद होता है। डिफरेंट गेम्स होते हैं, लेकिन एक जो मशहूर गेम है ना जो लॉटरी के अंदर होता है, उसको आप लोटो कहते हो, LOTTO। उसमें होता क्या है, उसमें भाई मैंने खुद नहीं खेली भी, मैंने पढ़ा हुआ है, गेम सीखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तो उसमें होता ये है कि आप कोई टिकट आपके ऊपर रखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए रखा हुआ है आपके ऊपर, कि यार उस लॉटरी में जब आपने शरीक होना है ना तो 500 रुपए का टिकट लेना है आपको। आप 500 रुपए टिकट लेते हो, एंटर हो जाते हो, दैट्स इट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लोटो गेम है एक, उधर आप जाओगे, आप कोई भी 6 नंबर पिक कर लेते हो, जनरली ये मेथड फॉलो होता है। टिकट आपने शुरू में दे दिया एंटर होने के लिए, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा भाई कोई भी 6 नंबर पिक कर लो, ज्यादातर 1 से लेके 50 के दरमियान कोई भी नंबर पिक किया जाता है। 1 से लेके 50 के दरमियान कोई भी रैंडम 6 नंबर आप पिक कर लो, या कोई लाइन ही पिक कर लो, जैसे वो सीरीज होता है ना ईद में भी, वो आमतौर पर जब वो करारे करारे नोट होते हैं तो वो सीरीज वाले लिए होते हैं। सीरीज वाले का मतलब क्या है कि मतलब मैं नोट ले आता हूँ, नोट किधर है भाई, नोट किधर है, ये हो भाई, अमीर हो गया मैं यार, 500 का नोट है। अगर आप इसमें देखो ना, लिखा हुआ है KT7802954। तो जो सीरीज के होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 50 नोट है, तो इनमें सीरीज क्या चल रही है, 2954 2955, मैं एंड के बता रहा हूँ कि 2955 56 57 5, ये पूरी सीरीज चल रही होती है। इसी तरह अगर आप बॉन्ड लेते हो, प्राइस बॉन्ड, उसमें भी एक होता है, कुछ लोग रैंडम नंबर के लेते हैं या कोई सीरीज ही ले लेते हैं उठा के पूरी, इसको हम रख देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। तो या तो आप पूरी लाइन ले सकते हो कि 6 सीक्वेंस में नंबर ले लो, 40 41 42 43 44 45, या आप रैंडम 6 नंबर पिक कर लो। आपने वो नंबर पिक कर लिए, उसके बाद क्या होगा, कोई भी एक डे है जिसमें वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि वो कोई भी 6 नंबर पिक करेंगे, वो जो 6 नंबर है विनिंग नंबर है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 पिक कर लिया, उन्होंने 10 पिक कर लिया, उन्होंने 4 पिक कर लिया, उन्होंने 11 पिक कर लिया, उन्होंने 20 पिक कर लिया, उन्होंने 26 पिक कर लिया। अब उन्होंने 6 नंबर पिक किए, अगर किसी बंदे ने जो 6 नंबर खुद सेलेक्ट किए थे, अगर एग्जैक्टली वो 6 नंबर जो रिजल्ट आया है उसमें वो पिक किए गए हैं, मतलब उसके 6 नंबर और रिजल्ट में जो विनिंग नंबर है वो सब 6 नंबर आपस में मैच कर जाएंगे, तो उसको आप कहते हो कि उसकी लॉटरी निकल गई है, उस पर एक बहुत बड़ा इनाम होता है। अगर उसके कुछ नंबर मैच हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 लिया था और विनिंग नंबर में भी 2-3 है, मतलब 2-3 नंबर मैंने मैच कर रहे हैं, गिफ्ट आपको प्राइज पे भी मिलता है लेकिन वो छोटा प्राइज मिलता है। जो लॉटरी निकलने का मतलब ये होता है कि आपके विनिंग नंबर और उसके विनिंग नंबर आपस में क्या कर गए, मैच कर गए एग्जैक्टली सारे, तो उसको आप कहते हैं लॉटरी विन करना। अब आप लोग बोलोगे कॉम्बिनेशन कहां से आ गई, कॉम्बिनेशन ये है कि आप जो बंदा विनिंग नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल उसने कौन कौन से नंबर सेलेक्ट किए, इसी को कर लेते हैं, उसने 1 2 3 7 9, ये 6 नंबर उसने सेलेक्ट किए। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, वो पहले 2 को सेलेक्ट करें, वो पहले 4 को सेलेक्ट करें, वो 7 को करें, 9 को करें, 1 को करें, 4 को करें, बात एक ही है, या वो इस ऑर्डर में करें। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि असल चीज क्या है कि नंबर्स कौन से हैं उसके पास, ये नहीं कि किस ऑर्डर में उसने सेलेक्ट किए हैं, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहां पे आप यूज करोगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा यहां पे। इसी तरीके से जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना इसकी, कि आपके जीतने के चांस कितने, लॉटरी लगने के चांस कितने हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे, टोटल 50 नंबर थे, 50 में से उसने 6 पिक करने हैं रिजल्ट निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, 50C6, 50 में से 6 सेलेक्ट करने हैं उसने। अब अगर आप यहां पे 50P6 लिख दोगे ना, तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी गलत निकलेगी। तो दैट्स व्हाई बताने के लिए कि यहां पे 50C6 होगा, कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप परमोटेशन कंसीडर करोगे, तो एक परमोटेशन ये होगी, एक इसके अंदर ये होगी, तो मैटर करती है बात। फिर आपने 9-7 कर लिया, भाई क्या फर्क पड़ रहा है, यहां पे सिलेक्शन तो एक ही है, नंबर तो 6 वही है, ठीक है, तो सिलेक्शन मैटर नहीं करेगी, आप क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन यूज करोगे। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/n, मैं प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला बताऊंगा कहां से आया, लेकिन 1/n टोटल,
टोटल कितने तरीके से 6 नंबर पिक किए जाते हैं वो ये है, और आपने जो 6 नंबर पिक किए वो एक कॉम्बिनेशन पिक किए आपने, तो 1/(by) टोटल ये आपको प्रोबेबिलिटी बता देगी, और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट्स व्हाई लॉटरी जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसको ऑड्स भी आप कहते हो, प्रोबेबिलिटी को ऑड्स भी बोला जाता है ना, तो बहुत ही कम ऑड्स होते हैं कि आप लॉटरी जीत सको, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। अब ये मैथ है, मैथ इन्वॉल्व है, तभी मैंने कहा था टॉपिक्स इतने इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको रियल लाइफ से इन्वॉल्व करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए। तो ये लॉटरी का गेम है, और मेरे पास कोई एग्जांपल है या नहीं। अब जरा अगर आप कॉम्बिनेशन की बात सॉरी कार्ड्स की बात करोगे ना, हमने काफी एग्जांपल्स देखी हैं जो जिसमें आपको पता है कॉम्बिनेशन अभी नेचुरल है। ये जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी ये नेचुरल एग्जांपल थी। नेचुरल एग्जांपल का मतलब यहाँ पे नेचुरली कॉम्बिनेशन आपने यूज करनी है, परमोटेशन इन्वॉल्व नहीं होगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से अब जो हम यूज करेंगे, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, वो नेचुरल एग्जांपल सारी बताई है मैंने आपको। एक एग्जांपल बताई थी जिसमें फोर्सफुली आपको कर देंगे, और बाकी एग्जांपल बताएंगे जिसमें नेचुरली आपको पता चल जाएगा यार कि क्या चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करोगे या यहाँ पे परमोटेशन यूज करोगे। इसी तरीके की एग्जांपल एक और है कार्ड्स वाली। अब मैं कार्ड्स वाली एग्जांपल देने से पहले मैं कार्ड्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात अभी प्रोबेबिलिटी में बहुत दफा आएगी, जब बात कार्ड्स की आ गई है तो आप जरा देख लो ये होता क्या है। यार कार्ड्स एक बहुत ही मशहूर गेम है, जो फ्रेंच इंग्लिश पता नहीं कौन कौन खेलते थे, डिफरेंट वर्जन है लेकिन जो सबसे मशहूर वर्जन है, जिनके सवाल भी आते हैं और जो नॉर्मली लोग खेलते भी हैं, मैंने भी खेला लेकिन भूल गया हूं, तो लेकिन याद है मुझे इनमें क्या क्या चीजें होती थी, जीतते किस तरह थे वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लासिफिकेशन मुझे पता है इसमें किस किस्म के कार्ड्स होते हैं जो कि आपको सवाल में काम आने, खेलना किस तरीके से वो सवाल में कोई नहीं आएगा। पर कार्ड्स में ना आप देखोगे दो मेन कैटेगरी होती है रंग के हिसाब से, आपको 26 टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये ध्यान में रखो 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से आपके पास जो रेड कार्ड है वो 26 होंगे और जो ब्लैक कार्ड है वो यहां पे 26 होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके चार सूट होते हैं, सूट SUIT, ये इसको आप बोलते हो कि नाम रखे हैं उन्होंने, चार कैटेगरी हैं। अब ये चार कैटेगरी का मतलब क्या है, क्यों बनाएंगे, इसकी एक रीजन भी मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हिस्ट्री में आती है वो। जो इसमें 26 में दो सूट, इसी तरह ब्लैक में दो सूट, 13-13 के होते हैं, तो इसके अंदर डायमंड आप बोलते हो डायमंड के कार्ड जो 13 होते हैं, इसी तरीके से रेड कार्ड में एक होते हैं हार्ट के कार्ड, वो भी 13 होते हैं। जो ब्लैक कार्ड है ना उसमें दो सूट कौन से होते हैं, एक होता है क्लब जिसके 13 कार्ड है और एक होता है स्पेड जिसके भी 13 कार्ड है, तो इनको आप चार सूट कहते हो, SUIT, डायमंड हार्ट क्लब स्पेड, सही है। अब इनको ये नाम दिए हुए क्यों है, मैंने एक रीजन पढ़ी थी आप लोगों के शौक के लिए बता देता हूँ, वो कह रहे हैं हिस्ट्री में ये आती है, अब अल्लाह बेहतर जानता है, और भी रीजन आती हैं काफी, लेकिन ये जो उन्होंने बनाया है ना गेम, वो कह रहे थे कि ये रिप्रेजेंट करता है सोसाइटीज के लेवल को, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज को, डिफरेंट तबकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेड का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार, तो ये रिप्रेजेंट करता था नोबल जो लोग हैं या जो फौज में होते हैं आर्मी में होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। इसी तरह ये जो डायमंड है, क्लब की बात करते हैं, क्लब जो है मैंने पढ़ा था किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या ये जो किसान टाइप के थे ना लोग उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक और मतलब भी था, बोटॉन्स कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन ऐसे थोड़ा नीचे वाला तबका वहां के लिए आप यूज करते थे। उसके बाद जहां तक बात है डायमंड की, तो डायमंड आप कंसिडर करते थे जो आपके वो होते थे, डायमंड का मैं बोली हूं, हार्ट का मुझे याद है, हार्ट का था कि जो चर्च में क्लर्की होता है ना, क्लर्की जहां तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि भाई मैं मुसलमान हूं मुझे नहीं पता इन चीजों का, सीखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन मैंने की नहीं है अभी कोशिश, इंशाल्लाह करूंगा फ्यूचर में भी, लेकिन जहां तक मैंने गूगल पे पढ़ा है तो क्लर्की उनका एक प्रीस्ट टाइप का कह लो होता है चर्च के अंदर, जो चीजों को हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस में ये भी कॉन्सेप्ट होता है, भाई पढ़ा हुआ सुना हुआ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कि अगर उसमें वो लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप गुनाह कर लो पहले, गुनाह करने के बाद चर्च में जाओ, जैसे हम फिदिया देते हैं ना वैसे वो फिदिया दे देते हैं, फिदिया देने के बाद आपके वो गुनाह धुल गए, ये कॉन्सेप्ट है कि गुनाह कर लो उसके बाद आके चर्च में आप वो फिदिया दे लो, गुनाह आपका माफ हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, वाकई है नहीं नहीं सुना है ये पढ़ा भी है। तो हार्ट रिप्रेजेंट करता था उन क्लर्की को जो वहां पे होते थे। उसके बाद डायमंड भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था, मैं नीचे लिख दूंगा कि क्या चीज थी, मेरे ध्यान में नहीं रही अभी वो। तो बहरहाल ये हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि 26 रेड थे 26 ब्लैक थे, ये इसके अंदर दो सूट है, इसके अंदर दो सूट है, 13-13 कार्ड होते हैं हर एक के अंदर। उसके बाद इन 13 कार्ड में क्या कैटेगरी होती है, 13 कार्ड में आपको हर कैटेगरी सेम ही है, ये जो मैं लिखने लगा हूं डायमंड के लिए बाकी के लिए भी सेम ही है, कि जो 13 कार्ड है ना इसमें से जो 9 कार्ड्स हैं वो नंबर वाले कार्ड होते हैं। नंबर वाले कार्ड का मतलब
सबसे पहला कार्ड होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो कार्ड है ना, ये 9 कार्ड बनेंगे, इसमें नंबर लिखे होंगे, यही 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक। तो ये 9 कार्ड जो है इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। बाकी चार कार्ड कौन से होते हैं? बाकी चार कार्ड होते हैं उसमें से सबसे पहला होता है एस, फिर होता है जैक, क्वीन, किंग। एस का नंबर 1 होता है, जैक का नंबर आई गेस 11, ये 12 और ये 13 नंबर है। ये इस टाइप का होता है नंबर होते हैं। इन पे नंबर लिखा हुआ नहीं होता, नंबर कार्ड नहीं है, इन पे एस, जैक, क्वीन, किंग लिखा होता है, लेकिन कंसीडर इनको ये किया जाता है 1, 11, 12, 13। गेम के अंदर जो रूल्स है ना उसमें ये चीजें काम आती है, मुझे एग्जैक्ट रूल्स नहीं याद क्या होते हैं उसके अंदर। तो ये चार कार्ड ये होते हैं और 9 कार्ड नंबर होते हैं। सेम हार्ट के अंदर भी ये होगा, हार्ट के अंदर भी मतलब ये जो 2 है ये 2 डायमंड के अंदर भी है, इसी तरह एक 2 होगा जो हार्ट वाला होगा, एक 2 होगा जो क्लब वाला होगा, एक 2 होगा जो स्पेड वाला होगा। इसी तरीके से एक जैक होगा डायमंड का, एक जैक होगा हार्ट का, एक जैक क्लब का, एक स्पेड का, मतलब सेम 13 कार्ड जो है हार्ट के अंदर भी, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी। बस फर्क ये होगा, इस वाले को आप बोलोगे जैक ऑफ डायमंड, डायमंड का जैक, इसको आप बोलोगे जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, ये जैक ऑफ क्लब, मतलब ये फर्क होगा, लेकिन होंगे सब जैक के कार्ड ही होंगे। चारों के अंदर आपको एक जैक मिलेगा, चारों के अंदर क्वीन मिलेगी, सभी होगा। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी की भी लिख दो। और आखिरी चीज क्या है कि एक और टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो, फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं? तो फेस कार्ड के अंदर आपके पास 3 कार्ड आते हैं। फेस कार्ड के अंदर कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग, इनको आप फेस कार्ड कहते हो। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं भाई। 3 इसके अंदर जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, तो ये टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं जैक के कितने कार्ड हैं, जैक के 4 कार्ड हैं, एक होगा जैक डायमंड का, हार्ट का, क्लब का, स्पेड का। इसी तरीके से एस कितने? एस भी 4 है, एक डायमंड का, एक हार्ट का, क्लब का, स्पेड का। तो ये सब जो चीजें हैं ना जो आपको प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर ये सवाल यूज होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में दोबारा नहीं बताऊंगा, इस चीज को नोट कर लेना अपने पास, ये एक टाइप का टेबल बना लेना। ये जो मैंने इधर बनाया ना सेम आप इसके साथ बना देना, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, प्रॉपर आपके पूरे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। नंबर कार्ड मैंने बता दी क्या क्या नंबर होते हैं, इनके नंबर भी मैंने बता दिए, इनमें नंबर लिखे नहीं होते, इनमें वो तस्वीरें भी बनाई होती है उन्होंने, और फेस कार्ड भी बता दिए कि 12 फेस कार्ड है। इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा प्रोबेबिलिटी में हम देख लेंगे। तो कॉम्बिनेशन मैं इनको क्यों डिस्कस करना चाह रहा था, कॉम्बिनेशन वाली एग्जांपल सुन लो, इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था इनको कि बच्चों अगर आपको बोला जाए कि 52 कार्ड्स हैं उसमें से आपने कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं, अब यहां पे मैटर नहीं करता कि आपने किस ऑर्डर में सेलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो, एक डायमंड का और आपने 9 सेलेक्ट किया स्पेड का, अब ये मैटर नहीं करता आपने किस ऑर्डर में सेलेक्ट किए, क्योंकि नेचुरली अगर आप ये देखो आपको बोला जाए कि आपके पास 2 कार्ड आने चाहिए सेलेक्ट करने हैं आपने, अब किस ऑर्डर में कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। असल चीज है आपके पास 2 कार्ड है कौन से, सेलेक्ट आपने क्या किया, ये मैटर करता है। आपने फॉर एग्जांपल 52 में से सबसे पहले 2 ऑफ डायमंड उठाया, फिर आपने 9 ऑफ स्पेड उठाया, अब ये मैटर नहीं करता। ये चीज अलग नहीं है कि पहले आप 9 ऑफ स्पेड उठा लो फिर 2 ऑफ डायमंड उठा लो, एक ही बात है, क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर करता नहीं है, यहां पे मैटर करता है कि आपके पास आए 2 कौन से कार्ड है। अब ये एक तरीका है 2 कार्ड उठाने का, अलग तरीका ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 2 ऑफ डायमंड उठाया और 8 ऑफ स्पेड उठा लिया, अब ये अलग चीज है पूरी कि आपकी सिलेक्शन डिफरेंट है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, जो आपने सेलेक्ट किया वो डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे मैंने 2 डिफरेंट कार्ड सेलेक्ट किए, डायमंड वाला तो सेम ही है लेकिन स्पेड में मैंने ऐड कर लिया, अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो मैंने इतनी कॉम्बिनेशन की एग्जांपल दी है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचुरली आपको समझ आ जाएगा कि यार ये सवाल इसके अंदर बैठते ही नहीं है। इसी तरीके से एक और सवाल जो आप 7.3 में देखोगे, जो कॉम्बिनेशन में बड़ा मशहूर सवाल है, कि इसमें होता है कि आपके पास 5 मर्द हैं, 6 औरतें हैं, उसमें से आपने कमेटी बनानी है 3 लोगों की। अब देखो 3 लोगों की कमेटी अगर आपने बनानी, किस तरीके से बनाएंगे बाद में देख लेंगे, 3 कमेटी अगर आपको बनानी है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपने फॉर एग्जांपल 2 मर्द को सेलेक्ट किया, साद और हमजा, मैं हर एग्जांपल में साद और हमजा देता हूं, अब मैटर नहीं करता आपने हमजा पहले किया या साद पहले किया। असल चीज क्या है कि 3 कमेटी के अंदर साद, हमजा और तीसरा हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सना, तो साद, हमजा, सना, ये 2 मर्द 1 औरत को आपने सेलेक्ट किया, अब किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया भाई मैटर नहीं करता। असल चीज ये कि कमेटी में 3 लोग कौन से हैं, सिलेक्शन क्या है उसके अंदर, ठीक है। ये सिलेक्शन का वर्ड तो खैर आप लोग पॉलिटिशियन में भी काफी सुनते हो, ये सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड है, बोलते रहते हैं। तो असल चीज क्या है कि ऑर्डर इसके अंदर मैटर नहीं करता, आपने जो सिलेक्ट किया वो क्या है, ये असल चीज मैटर करती है। तो बच्चों काफी मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सिर्फ परमोटेशन काफी नहीं है, हमें एक और कॉन्सेप्ट भी चाहिए जिसको आप कॉम्बिनेशन कहते हो।
क्यों कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। आप परमोटेशन यूज करोगे, आपके पास नंबर ऑफ वेज ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उनसे। एक ही चीज को बार बार अरेंज किया होगा मैटर नहीं कर रहा होगा। जैसे मैंने लॉटरी के एग्जांपल दिए, 6 विनिंग टिकट जो है वो मैटर करते हैं, किस ऑर्डर में किया वो मैटर नहीं कर रहा होगा। तो फालतू आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। अगर आने आपके पास 6 थे तो आप फॉर एग्जाम्पल 24 आ जाएंगे, 24 के साथ, वैसे डिपेंड करेगा एग्जाम्पल के ऊपर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर असल 6 कॉम्बिनेशन थी लेकिन परमोटेशन का फॉर्मूला यूज करोगे वो 24 देगा, वो 24 का नंबर फालतू है, वो अरेंज भी कर रहा है उसको, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो दैट्स व्हाई परमोटेशन के फॉर्मूले में अब मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया। आपने देख लिया डिफरेंस, कॉम्बिनेशन में कम वेज होंगे, परमोटेशन में ज्यादा वेज होंगे, तो दैट्स व्हाई परमोटेशन में कुछ आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप उसको कन्वर्ट कर दो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में। पहले मैं कॉम्बिनेशन की एक डेफिनेशन आप लोगों को करवा रहा हूं, मुझे नेट पे मिली थी, बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगी थी मुझे, तो मैं वो जरा करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है आपको चीज चीज के बता रही है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो बोल रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन कोई अरेंजमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन एक वे ऑफ सिलेक्शन है, वे ऑफ सिलेक्टिंग एलिमेंट्स। आपको बस एक तरीका है कि आप कितने तरीकों से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट सो दैट ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डजंट मैटर, कि आपने किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया है। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपने किन चीजों को सेलेक्ट किया है, वो मैटर कर रहा है। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक दो बातें बता दूं कि इसमें विदाउट रिपीटेशन है, ये नेचुरली बात है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट की एग्जाम्पल दी थी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, आपने दो एलिमेंट का सबसेट बनाना, तो रिपीटेशन कहां से आएगी, रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकती। कॉम्बिनेशन हो गया, परमोटेशन हो गया, रिपीटेशन नेचुरली नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें रिपीटेशन कहां से आएगी, आ नहीं रही होगी। लेकिन कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन भी कंसिडर किया जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर भी जरा हम देख लेंगे। वो कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन को मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो वाकई कॉन्सेप्ट है भी कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का। मैं ये नहीं बोल सकता कॉम्बिनेशन में विदाउट रिपीटेशन ही होता है, कुछ ऐसी एग्जांपल हैं जिनके अंदर कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन बन सकता है। वो एग्जांपल मैं अभी से दे रहा हूं, बता नहीं रहा लेकिन अभी से दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप एक चॉकलेट लेने गए हो, आप जब कहीं आइसक्रीम लेने जाते हो तो आप वहां देखते हो उसके पास उसने वो रखे होते हैं सेक्शन, वो क्या समझ लो कटोरी नहीं होगी, बॉक्स टाइप के रखे होते हैं जिसमें हर फ्लेवर आपने रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये दो कंसीडर करते हैं, आपको चाहिए 4 स्कूप, तो इसमें रिपीटेशन है। सबसे पहले ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, आपको पहले वो चॉकलेट दे या पहले आपको स्ट्रॉबेरी दे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आ क्या रहा है, ये मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन का सवाल है। दूसरी चीज रिपीटेशन का सवाल होगा, क्यों, क्योंकि तो 4 स्कूप है, आप चॉकलेट के सारे स्कूप ले लो, पहला स्कूप चॉकलेट का, दूसरा चॉकलेट का, तीसरा चॉकलेट का, चौथा भी चॉकलेट का, तो ये तो रिपीटेशन होगी, चॉकलेट 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 चॉकलेट, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन का सवाल लेकिन रिपीटेशन है। अब एक नेचुरल सवाल है ये मैं ये नहीं कह रहा कोई आइडियल केस है, जैसे परमोटेशन विद रिपीटेशन में वो आइडली आप कंसीडर कर रहे थे, तो नेचुरल यहां पे सवाल को कहा गया। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो फोर्सफुली आपको बोलते हैं कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, लेकिन वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो सवाल है ना, ये आगे समझ लो नेचुरल सवाल है जिसमें कॉम्बिनेशन में चीजें रिपीट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल दो चॉकलेट को उठा लिए, दो स्ट्रॉबेरी को उठा लिए, तो चॉकलेट चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, रिपीटेशन आ गया इसके अंदर। तो इन सवालों की मैं एग्जांपल दूंगा, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन आपकी बुक में नहीं है, ये एक मुश्किल केस समझा जाता है, लेकिन बैगर्स मेथड समझाने के बाद ना ये आपके लिए कोई मुश्किल मेथड नहीं है। मैंने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 जो समझाया है ना, अगर वो आपने समझ लिया तो अभी आपके लिए हलवा है। कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का भी हम देख लेंगे। अभी जो बात की जा रही है वो वाले क्वेश्चन होंगे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। मेजोरिटी आप देखोगे कॉम्बिनेशन के सवाल, उसमें रिपीटेशन हो ही नहीं सकती, लोगों को सेलेक्ट करना है तो एक चीज को दो दफा कैसे सेलेक्ट करोगे, तो नेचुरली उसमें रिपीटेशन इन्वॉल्व नहीं। अब यहां पे आप इसका फॉर्मूला जरा डिराइव करते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से आप डिराइव करोगे, एग्जांपल के साथ करते हैं ताकि आपको बात समझ आए कि यार आपके पास 4 अल्फाबेट हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो ए बी सी डी, ये 4 आपके पास अल्फाबेट्स हैं। आप सबसे पहले इनकी परमोटेशन निकालो और जरा देखो, ये समझ लो कि 4 में से आपको 3 की परमोटेशन निकालनी है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से आपको 3 को सेलेक्ट करना है और परमोटेशन उसके निकालनी है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ए बी सी, मैंने बताया था परमोटेशन में भी सिलेक्शन होती है लेकिन सिलेक्शन करने के बाद आप अरेंज कर रहे होते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने ए बी सी 3 को सिलेक्ट कर लिया, अब आप अरेंज करो, ये हो जाएगा ए सी बी, ये हो जाएगा बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी और फिर सी बी ए, ये 6 परमोटेशन आपके सामने आ गई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेक्ट करते हो ए बी डी, तो आप क्या होगा ए बी डी, फिर ए डी बी, फिर हो सकता है बी ए डी, फिर होगा बी डी ए, फिर होगा डी ए बी,
फिर होगा डीबीए, छह परमोटेशन यहां से आगे। अब अगर आप देखो इसको हमने कॉम्बिनेशन में शिफ्ट करना, नॉर्मली फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, 4p3। अगर आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करोगे तो पहले में कोई भी 4, 3, 2, 1 ये बात है, दोनों का आंसर 24 आ रहा होगा। चार में से तीन को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 24। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वेज होते हैं। तो आपने देख लिया 6 यहां से आए, 6 यहां से आए हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम करना सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल ए सी डी को, 6 इसके आ जाएंगे, 1 तो कर लिए, 5 और आएंगे, फिर आप सिलेक्ट करना बी सी डी को और फिर 6 यहां से आ जाएंगे, 5, 5 टोटल आपके पास 24 आ गए जो मैंने सामने आपके लिख दिए। ठीक है, ये जो 24 नंबर आते हैं परमोटेशन का मैंने आपके सामने लिस्ट बना के सब लिख दिए। अब अगर आप इस सवाल को कॉम्बिनेशन में शिफ्ट करना चाह रहे हो तो कॉम्बिनेशन में आपको बताया है कि वहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन मैटर कर रही होती है, परमोटेशन में आप सिलेक्ट करने के बाद अरेंज करते हो, कॉम्बिनेशन में नहीं करते। तो कॉम्बिनेशन में जो 6 की 6 लिखी हुई है 1 मानी जाएंगी, क्यों, इसमें आप देखो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन है एबीसी, सबके अंदर ये 3 ही अल्फाबेट है, कोई अलग नहीं है, तो कॉम्बिनेशन इसको 1 ही मानेगा। कॉम्बिनेशन क्या यार, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस ऑर्डर में लिखा है इनको, मेरे लिए फर्क पड़ता है कि है क्या, एबीसी है, दैट शुड बी 1 ही माना जाएगा। इसी तरह कॉम्बिनेशन इन सबको 1 मानेगा, कॉम्बिनेशन ये नहीं कहेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा कि आप बोलोगे एबीडी अलग है, बीएडी अलग है, वो कहेगा नहीं भाई मुझे ये देखना है कि 3 अल्फाबेट कौन से हैं, इन 6 के अंदर सेम ही तो 3 अल्फाबेट है ए बी डी, तो मैं इसको 1 ही कॉम्बिनेशन मानूंगा। तो यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास 6 परमोटेशन है, 1 कॉम्बिनेशन है, 12 परमोटेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्जर्व करो आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6 परमोटेशन डिवाइड बाय 6 1 कॉम्बिनेशन, 12 परमोटेशन डिवाइड बाय 6 2 कॉम्बिनेशन, फिर इसको भी शामिल कर लो टोटल 18 परमोटेशन डिवाइड बाय 6 3 कॉम्बिनेशन, फिर चौथी कॉम्बिनेशन। तो आपने क्या किया है, 24 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये जो परमोटेशन का फॉर्मूला है इसके अंदर आपने जस्ट 6 से डिवाइड किया और आपके पास क्या आ गई, आपके पास कॉम्बिनेशन आ गई। लेकिन अब ये आपने स्पेसिफिक एग्जांपल कंसीडर किया, क्या हर सवाल में 6 से डिवाइड करोगे आप, फिगर आउट कर लेते हैं कि हर सवाल में आपने क्या किया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैं आपको बोलता हूं 3 में से आप, अच्छा देखो कॉम्बिनेशन में सब सिलेक्ट नहीं आप कर सकते, अगर आप सब सिलेक्ट करोगे ना तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 3 गिवन है, 3 में से 3 को सिलेक्ट करो, तो जब इन 3 में से 3 को सिलेक्ट करोगे तो एक ही तरीका है जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं होती ना, परमोटेशन में तो उसके 6 आंसर होंगे कि 6 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक ही माना जाएगा ये। तो कॉम्बिनेशन में अगर आपने सबको सिलेक्ट करना है तो वो एक ही तरीका है कि आप सबको सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं होता कॉम्बिनेशन में। तो नॉर्मली आप कॉम्बिनेशन के सवालों में देखोगे कि सबको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा होता, कुछ को सिलेक्ट करते हैं, मतलब सबको करेंगे आंसर वन आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3 अल्फाबेट है, मैं आपको बोलता हूं इसमें से 2 सिलेक्ट करो, परमोटेशन में क्या फॉर्मूला होगा, 3p2, 3p2 को सॉल्व करो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, आंसर 6 आ रहा होगा, 6 परमोटेशन बनेंगी, देख लेते हैं। सबसे पहले आप सिलेक्ट करो, परमोटेशन में पहले सिलेक्ट करते हो, आपने ए भी सिलेक्ट किया, आप इसको अरेंज करते हैं, एक तो इस तरह लिखोगे, एक इस तरह लिखोगे, अच्छा फिर आप फॉर एग्जाम्पल ए सी सिलेक्ट करो, अब अरेंज करो सी है, बस यही तरीका अरेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल आप बी सी सिलेक्ट करो, अब अरेंज करो, 6 परमोटेशन आपके सामने आ गई जो आपको फॉर्मूला बता रहा था। अब क्या बाकी 6 कॉम्बिनेशन है, ये देख लेते हैं। अगेन कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई, मुझे तुम्हारे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डजंट मैटर भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्या अल्फाबेट है ये मैटर कर रहा है। तो अगर आप इन 2 में देखो अल्फाबेट कौन से, ए बी, तो कॉम्बिनेशन 1 ही मानेगा इसको, 2 नहीं मानेगा, तो 2 परमोटेशन पे 1 कॉम्बिनेशन। अगेन इसको देखो तो कॉम्बिनेशन कहेगा भाई 2 परमोटेशन तुम्हारे घर में होंगी, है ये 1 ही, तुमने 2 अल्फाबेट को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, असल में 2 ही अल्फाबेट है, तो दैट्स इसको भी 1 मानेगा, इसको भी 1 मानेगा। तो यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि 2 परमोटेशन है 1 कॉम्बिनेशन, 4 परमोटेशन है 2 कॉम्बिनेशन, 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 2 2, 6 डिवाइड बाय 2 3, तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपने ये बात देखी कि कहीं आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, कहीं आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या मसला क्या है इसके अंदर, मतलब क्या पैटर्न आपको क्या नजर आ रहा है। पैटर्न इसके अंदर ये है कि जितने आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कितने आपने सिलेक्ट किए थे, 3 सिलेक्ट किए थे, तो यहां पे आप परमोटेशन के फॉर्मूले को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, 3 फैक्टोरियल 6। इसी तरह यहां पे आपने कितने सिलेक्ट किए थे, 2 सिलेक्ट किए थे, तो जो परमोटेशन का फॉर्मूला है उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 फैक्टोरियल से। तो अगर आप जनरलाइज बात करो, जो परमोटेशन का फॉर्मूला है एनपीआर, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है कॉम्बिनेशन में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा,
क्योंकि परमोटेशन में ज्यादा आता है, कम्बिनेशन में कम होता है, डिवाइड करोगे आप। और किससे डिवाइड करोगे? जितने ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे उतने फैक्टोरियल से। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं 10 में से, फॉर एग्जाम्पल, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो परमोटेशन के फॉर्मूले को। अगर आपने 4 किए हैं तो आप 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो जनरलाइज हम कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर n ऑब्जेक्ट है तो हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करो, आप डिवाइड कर दो इसको r फैक्टोरियल से, और ये बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा कम्बिनेशन का। तो जस्ट परमोटेशन के फॉर्मूले में आपने r फैक्टोरियल से डिवाइड किया, परमोटेशन कन्वर्ट होगी किसके अंदर, कम्बिनेशन के अंदर। ये फॉर्मूला है जो डायरेक्ट बता दिया जाता है, मैंने पूरी डेरिवेशन करवाई है, 2 एग्जाम्पल बता के आपको समझा दिया कि ये जगह है जहां से पूरा कम्बिनेशन का फॉर्मूला आया है। अब मैं जरा इसको थोड़ा नीट करके लिख लेता हूं। तो कम्बिनेशन के फॉर्मूला आपका क्या होगा, फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास NCR, इसको आप क्या लिखते हो, N चूज R। यहां पे कम्बिनेशन के अंदर ज्यादातर वर्ड चूज का यूज करते हो। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कम्बिनेशन परमोटेशन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कोई सवाल परमोटेशन का है कोई सवाल कम्बिनेशन का है। तो यार एक तो वैसे आप सवाल को अगर बाकी समझ रहे हो ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर मैटर कर रहा है ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा, ठीक है। आप नेचुरली मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए हैं कि जिसके अंदर आप खुद फिगर आउट कर लोगे यार ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। पता कैसे चलेगा, नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ये चीजें फॉलो होती हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर सिलेक्शन का वर्ड आ जाए सवाल के अंदर, चूज का वर्ड आ जाए, इसी तरीके से आपको बोला जाए कमेटी बनाओ, कोई पार्टी बनाओ, या कमेटी पार्टी को ग्रुप बना लो, ये वर्डिंग आ जाए, या आपको कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल हो कि यार इतने पॉइंट्स गिवन है कितने ट्राइंगल बनेंगे, ये भी कम्बिनेशन का सवाल बनता है। या आपको अगर बोले कि इलेक्शन हम करवा रहे हैं कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब अगेन सिलेक्शन का वर्ड आ गया, इलेक्शन आ जाए, सिलेक्शन आ जाए, ये जितने वर्ड है ना ये सब इन वाले सवाल जो है ये कम्बिनेशन के अंदर लाए कर रहे होते हैं। और परमोटेशन के सवाल किस तरह होते हैं, परमोटेशन में ज्यादातर आपको सवाल नजर आएंगे डिजिट्स वाले कि इतने डिजिट से कितने डिजिट बना सकते हो आप, इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे। अच्छा अल्फाबेट्स के ज्यादातर सवाल, कम्बिनेशन में भी अल्फाबेट है लेकिन अल्फाबेट के ज्यादातर सवाल जो है वो परमोटेशन में लाए कर रहे होते हैं। तो आप देखोगे कि यार कितने अल्फाबेट है, किस तरीके से आपने अरेंज करना है। इसी तरह परमोटेशन में मेन वर्ड आपको तकरीबन हर सवाल में नजर आता है परमोटेशन के, वो होता है अरेंज, अरेंज करो लोगों को टेबल के अराउंड, अरेंज करो बेंचेस पे, अरेंज करो डिजिट्स को, अरेंज करो अल्फाबेट्स को, तो अरेंज का वर्ड काफी आपको नजर आ रहा होता है। इसके अलावा भी शायद एक दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिखी ली थी अपने पास। किस टाइप के होंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नंबर ये तो मैंने आपको बता दिए ना। अच्छा सिटिंग अराउंड टेबल का आ जाएगा अरेंजमेंट का, ठीक है। कम्बिनेशन में सिलेक्शन, सिलेक्शन का हो गया, इलेक्शन का हो गया, ड्रॉ का भी होता है कि यार इतनी बॉल्स है हमने इतनी बॉल ड्रॉ की है इतनी बॉल निकाली है, ये भी कम्बिनेशन का सवाल बन जाता है। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया। टीम बनाने का, ये भी ज्योमेट्री का होता है कि यार ज्योमेट्री कह रहा हूँ कम्बिनेशन का होता है ये भी कि 15 खिलाड़ी हैं उसमें से 11 की टीम बनानी है, तो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, ये भी कम्बिनेशन के अंदर लाइक कर रहा होता है। तो ग्रुप बनाना, पार्टी बनाना, टीम बनाना, कमेटी बनाना, ये सब सवाल जो है कम्बिनेशन के अंदर लाइक कर रहे होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मैं, अच्छा जरूरी नहीं कि चूज का वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कम्बिनेशन के अंदर है, क्या जरूरी है कम्बिनेशन के अंदर है, ये वो परमोटेशन के अंदर भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको वो एग्जाम्पल दी थी 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की, उसमें वर्ड चूज आया हुआ है, हालांकि परमोटेशन है। तो जरूरी नहीं कि वर्ड अगर आ गया तो आप बोलोगे नहीं यार ये कम्बिनेशन ही बन गया, नहीं, थोड़ी सेंस भी आपने सोचेंगे। आप एक कीपर, विकेट कीपर, तो मैटर करेगा ऑर्डर वहां पे। तभी मैंने बोला था सबसे पहली चीज ही बोली थी यार सेंस काम करेगी आपकी, मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट दिए तो सेंस सोचो क्या चीज बन रही है इस टाइम। खैर फॉर्मूले पे आ जाओ, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, एनसीआर का फॉर्मूला आ जाएगा एनपीआर, जो परमोटेशन का फॉर्मूला है उसमें मॉडिफिकेशन ये करो कि परमोटेशन के फॉर्मूले को डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से। अच्छा परमोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये परमोटेशन का फॉर्मूला है, इसको आपने डिवाइड करना है आर फैक्टोरियल से, तो ये आर फैक्टोरियल आता है। मतलब ये जो थी ना ये पूरा न्यूमरेटर था, अगर आप इसको खोल के लिखोगे ना इस तरह, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो फ्रैक्शन में रूल होता है कि अगर ऊपर एक फ्रैक्शन है नीचे बस एक ही नंबर लिखा हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह लिख देता है। तो ये बच्चों आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू पिक या सेलेक्ट या चूज आर एट अ टाइम। क्या आपके पास 10 है जिसमें से आपने 3 चूज करनी है, तो उसकी कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 10C3 एन है टोटल,
और आर है एट अ टाइम आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगेन जैसे परमोटेशन में शर्त थी वो मैंने लिखवाई दी थी वहां पे, लेकिन बाद में मैंने बता दी थी कि जो आर है वो डेफिनेटली या तो लेस होगा एन से या एक ही केस है जिसमें बराबर हो सकता है, और अगर बराबर होगा तो एक ही कॉम्बिनेशन आएगी, आर कभी बड़ा नहीं हो सकता, साइंस ही मानती है इस बात की। ये कॉम्बिनेशन का एक ही फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे कि डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे नहीं आपकी बुक में मिलेंगी। हाँ, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एंड पे बता दूंगा जब कॉम्बिनेशन का पोर्शन कंप्लीट होगा, और यह शायद अभी बता दूं, डिपेंड करेगा जो मेरा मूड है। अब कुछ केसेस है मैं इसके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि आप निकालो एन सी एन, तो मैंने बताया एन सी एन का आंसर वन है, आप इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, आर की जगह एन फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे आर की जगह एन आ जाएगा, n माइनस एन ये जीरो हो गया, इसको वन कर लो, और यहाँ पे जो n फैक्टोरियल है वो ऊपर से डिवाइड हो गया, आंसर वन आ जाएगा। तो याद रखना जितने ऑब्जेक्ट है अगर उन्हीं को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। सेम चीज बराबर है एन सी जीरो के लिए, ये मैं आपको परमोटेशन में ही बात क्लियर की थी कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है और आप उसमें से जीरो को सिलेक्ट करो, मतलब नथिंग, कुछ भी सिलेक्ट नहीं आपने किया, तो दुनिया को किस तरह दिखाओगे, दुनिया को नथिंग दिखाओगे भाई। दस ऑब्जेक्ट में से अगर आपको बोले कुछ भी सिलेक्ट ना करो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप बोलोगे नथिंग कॉम्बिनेशन बनेगी, नथिंग दिखा दो उनको, एक ही पॉसिबिलिटी है। आइडियल केस है, लेकिन आप फॉर्मूले से तो प्रूफ कर सकते हो, अब आर की जगह जीरो, यहां पे भी जीरो पुट कर दो, दोबारा आंसर जो है इसका बना जाएगा। तो एनसी जीरो जैसे एनपी जीरो वन होता था, यहां पे एनसी जीरो भी क्या होगा, वन के बराबर होगा। और एक और केस डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास आ जाए एनसी वन, इसको लॉजिकल समझो, फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो, अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगी, एन कॉम्बिनेशन बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं यार मेरे पास चार ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, इसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है, कितनी कॉम्बिनेशन है, चार कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले ए को सिलेक्ट किया, एक को सिलेक्ट करना है ना, एन सी वन, आर मतलब यहां पे वन है, एक को सिलेक्ट करना है, तो ए आ गया, अब एक ही है भाई, क्या करोगे इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने बी को कर लिया, ये दूसरी कॉम्बिनेशन, सी को कर लिया, डी को कर लिया, चार ही कॉम्बिनेशन आएंगे, चार अल्फाबेट है तो चार ही है। तो अगर एन है उसमें से आपने एक ही कॉम्बिनेशन बनानी है तो एन के बराबर ही होगा, उसमें कोई नई चीज नहीं होगी। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस, ये आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है, नाम से शायद नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी मौजूद है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ बुक में ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता क्या है। ये जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है ना यार, ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ज्योमेट्री में भी सुना है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे तो एंगल जिनको एड करो 90 रिजल्ट आए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 30 है, मैं बोलता हूँ कि यार इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो आप 90 में से माइनस करोगे 30 को 60, तो 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 का, ठीक है। मतलब किसी भी एंगल का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है आप उसको 90 से माइनस करते हो। इसी तरीके से यही काम आपने यूनियन के अंदर भी किया था, मैं बोलता था कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेट ए है उसको आप कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते थे तो यूनिवर्सल से माइनस करते थे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में आप होल से माइनस करते हो, होल आपने फिक्स किया होता है, जैसे एंगल में आपने होल 90 फिक्स किया हुआ है कि जब आपने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला आप 90 से माइनस करोगे, ठीक है। इसी तरीके से सेट में आपने फिक्स किया हुआ यूनियन, कि अगर आपको बोला जाए एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आप उस सेट को यूनियन से माइनस करोगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हो उन जब दोनों को एड करोगे तो वही चीज आती है होल। फॉर एग्जाम्पल 30 का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, 90 माइनस 30 60 आ गया, आप 60 और 30 को आप ऐड करोगे तो वो होल आ जाएगा, मतलब 90 पूरी फिगर आ जाएगी आपके पास। इसी तरह एक सेट है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, जब आप उस सेट और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, सेट में ऐड का मतलब यूनियन होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन पे भी अप्लाई होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो 10C2, ये हमेशा बराबर होता है 10C8 के, क्यों, यहां पे कितने आपने चूज किए, दो चूज किए हैं, टोटल कितने थे 10 थे, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, होल यहां पे क्या है 10, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे 10 थे, आपने कितने सेलेक्ट किए 2, तो अगर आप 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कैसे आएगा 10 माइनस 2 8, 2 का कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 10C2 मालूम करो या 10C8 मालूम करो, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस का आपको बता रहा हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस मानी जाएंगी, ये आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 15C7, ये एक कॉम्बिनेशन के बना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगी, कितने आपने चूज किए 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 को आप होल से माइनस करो, होल यहां पर क्या है 15 को जब आप 7 से माइनस करोगे 8 आएगा,
तो जो 15C7 का आंसर है वही 15C8 का आंसर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब जनरलाइज अगर आप बात करो, जनरलाइज लैंग्वेज में आप इनको इस तरीके से लिखते हो कि अगर आपके पास NCR मौजूद है तो NCR बराबर होगा N, अच्छा N में से आपने R चूज किए ना, तो R का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको माइनस कर दो N से, तो N माइनस R, तो NCR हमेशा बराबर होता है NCN माइनस R के। या आप हर दफा देखोगे ये चीज अप्लाई हो रही होती है। अब ऐसा होता क्यों है, एक तो चीज है ना बता दिया होता है, क्यों होता है उसके मैं दो रीजन आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो आप इनके फॉर्मूले देख लो तो खुद ही आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आप करते क्या हो जो r लिखा था उस फैक्टोरियल से, यहां पे r क्या है n माइनस r, उसके बाद आप क्या करते हो आप लिखते हो n माइनस r, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को माइनस करते हो वो फैक्टोरियल लेते हो। तो सेम काम ही करो, ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज को माइनस करो और फैक्टोरियल ले लो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो ऊपर चीज लिखी हुई है उसका फैक्टोरियल लो डिवाइडेड बाय जो नीचे चीज लिखी हुई है उसका डायरेक्ट फैक्टोरियल लो, उसके बाद ऊपर और नीचे को माइनस करो उसका फैक्टोरियल लो। तो यही टेक्निक आपने यहां पर भी अप्लाई कर दी है। उसके बाद इसको एज इट इज रहने दो, ये एन फैक्टोरियल अपनी जगह पे नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन और माइनस एन ये कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आर फैक्टोरियल बचेगा। आप खुद ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, दोनों फॉर्मूले आपस में बराबर है। तो छोटा सा मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर कैसे होती हैं। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाइज भी आप समझ सकते हो कि ये बराबर है। कॉन्सेप्ट वाइज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये पांच अल्फाबेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं आप तीन सेलेक्ट करो, तो आप सेलेक्ट क्या करोगे, सबसे पहले एबीसी सेलेक्ट हो गया, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल ए बी डी सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने ए बी ई सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉम्बिनेशन क्या होगी आपने किया ए सी डी ई, सॉरी मैंने कितने ज्यादा कर दिए, ए सी डी, फिर क्या होगा ए सी ई, फिर क्या होगा ए डी ई। पहली पोजिशन पे ए के साथ आपने सारी कर ली है ना, ए बी डी कर लिया, ए बी ई ए बी ई बी सब हो गया। अब बी के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा बी सी डी, फिर आप लिख सकते हो बी सी ई, बी सी डी भी हो गया, बी सी ई भी हो गया, बी डी ई हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे बी डी ई लिख रहा हूं, कितनी हो गई है तीन हो गई है, तीन थ्री एक और रहेगी होगी सी डी ई, क्योंकि दस बनेगी ना यहां पे, पांच में से आप तीन सेलेक्ट करो ना, तो फाइव सी थ्री क्या होता है टेन, दस कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना दिए। होता यह है कि ये जो मैं निकाल रहा हूं ये एनसीआर निकाल रहा हूं, पांच चीजें थी उसमें से मैंने तीन चीजों की कॉम्बिनेशन निकाल ली, जितनी कॉम्बिनेशन मैंने तीन चीजों की निकाली है ना दस कॉम्बिनेशन आई हैं, सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है जो पीछे रह गए हैं। अगर आप हर कॉम्बिनेशन में देखो, आपने सेलेक्ट किया था बीसीई, पीछे क्या रह गया था, पीछे एक ए रह गया था और एक डी रह गया था, ए डी ए कॉम्बिनेशन है, अच्छा एबीसी आपने सेलेक्ट किया था पीछे क्या बच गया था डी ई, ए बी डी आपने सेलेक्ट किया था पीछे क्या बचा था सी ई, ए बी ई आपने सेलेक्ट किया था पीछे क्या बचा था सी डी। कहने का मतलब है जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो उनकी कॉम्बिनेशन और जो पीछे रह गए हैं उनकी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होती है। तो ये कॉम्बिनेशन है एनसीआर और पीछे रह जाने वाले कितने होंगे एनसी एन माइनस आर, अगर आपने आर सेलेक्ट किया तो पीछे कितने रह जाएंगे एन माइनस आर, पीछे रह जाने वालों की कॉम्बिनेशन भी उतनी होती है। ये चीज परमोटेशन में फॉलो नहीं होती, क्यों, परमोटेशन में आप सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो 5p3 बराबर होना चाहिए 5p2 के, तो नहीं बराबर होता, क्यों, क्योंकि जिन तीन को आप सेलेक्ट कर रहे हो उनको अरेंज भी तो करते हो ना, छह तरीकों से अरेंज कर सकते हो, और जो पीछे रह जाएंगे वो दो होंगे, दो की अरेंजमेंट कितनी होती है दो होती है। तो अगर आप तीन सेलेक्ट कर रहे हो पीछे रहने वाले कितने दो, तो इनकी अरेंजमेंट छह है इनकी अरेंजमेंट दो है, इसी तरह इसकी अरेंजमेंट छह इसकी अरेंजमेंट दो। तो परमोटेशन में चीज फॉलो नहीं होती, परमोटेशन में जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और जो रह जाते हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, तो उसमें तभी ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। जबकि कॉम्बिनेशन में वैलिड होता है कि आप जितने सेलेक्ट कर रहे हो उनकी कॉम्बिनेशन और जितने रह जाने वाले हैं उनकी कॉम्बिनेशन सेम होती है, जिसको आप फॉर्मूले में क्या लिखते हो एनसीआर इक्वल टू एनसी, रह जाने वाले क्या होंगे एन माइनस आर होंगे। ये कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का।
मैंने बता दिया ना, इसमें कोई और चीज तो नहीं है आप लोगों को ऐसे बताने वाली, कोई लिखी भी ना हो मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई और चीज है इसके अंदर बताने वाली। हाँ मैं तकरीबन आप लोगों को अच्छी बता दी, तभी इसके फॉर्मूले आप फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी बहुत सी बड़ी चीज आ जाती है कि 100 C5 निकालो, उन यूनिवर्सिटीज का बता रहा हूँ जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बता रहे हैं और ऑप्शंस में चार कॉम्बिनेशन लिखी होंगे किसके बराबर है। अब जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता उनको वो बेचारे कैसे पता करेंगे, वो आंसर मालूम करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, बाकी उनका आंसर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं है मसला होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 100 C51 कर दिया, मसला है आप कैसे निकालोगे, लेकिन आपको पता है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन निकाल लो, वो होगी 100 C 100 - 51 49। तो जो 100 C 51 का आंसर होगा वही आंसर 100 C 49 का आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आपको काम आता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का। ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करते जा रहे हैं, बीच में क्वेश्चंस में भी टॉपिक आएंगे वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, मुझे नहीं पता हैंड शेक का कोई सवाल है बुक में या नहीं है, हैंड शेक का भी एक टॉपिक होता है। हैंड शेक का सवाल सामने सामने तो मुझे नजर नहीं आ रहा, सामने सामने हैंड शेक का सवाल नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल शायद एग्जाम्पल्स में ना हो। अच्छा बाय द वे 7.123 कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम्पल्स में सबकी कंबाइन आपको करवाऊंगा, एग्जाम्पल सारी करवाऊंगा जो मुश्किल मुश्किल वाली है। अच्छा तो हैंड शेक वाला एक टॉपिक होता है, एक होता है कि अगर 5 टीमें खेल रही हैं तो वो आपस में कितने मैच खेल सकती हैं, कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे होते हो। फिर होता है कि अगर इतने पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, इतने पॉइंट से कितने ट्राइंगल बना सकते हो। तो एक सवाल आएगा उसके अंदर ही मैं सब टॉपिक क्लियर कर दूंगा आपको। तो मेन कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, केसेस बता दिए, ये प्रॉपर्टी बता दी है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आप इनको कहते हो। और एक और भी होती है कॉम्बिनेशन की, वो आप चैप्टर नंबर 8 में काम आएंगी, तो चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह उसको हम पढ़ लेंगे। बाकी भी कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज हैं।